देवी, धरती पर जल प्लावन का समय आ गया है। आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछूं देव। अवश्य पूछिए देवी। क्या जल प्लावन का निर्णय नितांत आवश्यक था? ब्रह्मा जी का उद्देश्य बहुत उच्च, बहुत महान, बहुत पवित्र है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती का स्वच्छ होना अनिवार्य है। पर प्रभु, क्या इस जल प्लावन में सब कुछ डूब जाएगा? देवी, हम त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और मैं। हम तीनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, और हमें से कोई किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में पग नहीं धरता। ब्रह्मा जी अपना कार्य कर चुके हैं, अब मैं अपना कार्य करने जा रहा हूं। इस जल प्लावन में क्या डूबेगा और क्या बचेगा, इसका ज्ञान तो केवल श्रीहरि विष्णु को है, क्योंकि ये उनका कार्य क्षेत्र है। पर प्रभु, इसके उपरांत होगा क्या? उसके उपरांत सब कुछ शांत हो जाएगा। परंतु देवी, ये सब प्रश्न आप क्यों पूछ रही हैं? आपके सहयोग से ही तो मैं यह कार्य करूंगा। मैं कुछ समझी नहीं देव। आप मेरी प्रेरणा हैं। आपसे शक्ति पाकर ही मैं हर कार्य करता हूं। मैं आपको कैसे शक्ति दूंगी प्रभु? मेरे भीतर समाकर तनिक इस कैलाश को भी तो अर्धनारीश्वर का रूप देख लेने दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। Thank you.
मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना, मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा। हे सर्वेश्वर, आपने तो कहा था कि आप हमारी सहायता करेंगे। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं
स्वामी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एकदम निर्जन स्थान लगता है। ऐसा मत कहो देवी, यहाँ हम हैं और यहाँ वो है जो कण कण में रमते हैं। हे नारायण, आपके दर्शन मिले, नैनों के भाग्य जागे, आत्मा की प्यास बुझी। इस क्षण के आगे जीवन का हर एक क्षण तुच्छ है। हे विश्वेश्वर, आपने जलप्लावन से हमारी रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मनु, इस भयंकर जलप्लावन में शिक्षा और गुरु की रक्षा करने में जो तुमने तत्परता दिखाई वो भी सराहनीय है। तुमने मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए साधना की, व्रत धारण किया, और हे शत्रुपा, इन सब शुभ कार्यों में अपने पति का साथ देकर तुमने अपने पत्नी धर्म का पालन किया है। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं और समस्त मानव जाति में केवल तुम दोनों को चुनने का एक विशेष कारण भी है। हे जगदीश, आप तो कारणों के कारण हैं। जो भी कारण होगा उसे केवल आप ही जानते हैं। मैं जानता हूं मनु कि मानव कल्याण के मेरे परम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप दोनों माध्यम हो। ये मेरा परम उद्देश्य आपके माध्यम से ही संपन्न होना है। मनु, जब खेत की उपज पक जाती है और खेती काटी जाती है तो कृषक कुछ बीजों को बचाकर रखता है और यही बीज आने वाली उपज का कारण बनते हैं। मैंने भी यही किया है। तुम दोनों की रक्षा करके मैंने जीवन की रक्षा की है। अब तुम दोनों मिलकर नव जीवन की उपज का कारण बनोगे और यह आने वाला जीवन बहुत सुखद होगा। मनु, बहुत सुखद होगा, पावन होगा। और तुमने सप्त ऋषियों के इस समूह को अपने साथ में लाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि आने वाले जीवन की महान आवश्यकता होगी शिक्षा। हे सर्वव्यापी, हे रहस्य ज्ञाता, नवजीवन को जो शिक्षा मिलेगी वो तो केवल आप प्रदान कर सकते हैं। आप मुझे ज्ञान दीजिए, ये शिक्षा क्या होगी, कैसी होगी? हे वैवास्वत, मानव बड़ा विचित्र प्राणी है और उसका इतिहास भी उतना ही विचित्र है। उठता है तो देवता बन जाता है और गिरता है तो दानव। दानवता अज्ञान और हीनता का प्रतीक है और मैं हर युग में मानव को दानव बनने से बचाना चाहता हूं। अर्थात मानव देवताओं की भांति अमर तो नहीं हो सकता, पर देवताओं की भांति संपूर्ण तो अवश्य हो सकता है, और उसे संपूर्ण बनाने का मूल मंत्र मुझे तुम्हें सौंपना था, और इसीलिए जलप्लावन से रक्षा के लिए मैंने तुम दोनों को चुना है। हे जगदीश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। मैं तुम दोनों को यह उपहार सौंपता हूं जो समस्त मानव जाति की धरोहर है।
ये मेरे आप्त वचन है, ये मेरे वेद है, ये ऋग्वेद है। ये यजुर्वेद, ये सामवेद है और ये अथर्ववेद। ये मेरे सबसे बड़े वरदान हैं, मानवता को ये मेरा उपहार है। ये मेरे आप्त वचन तुम्हें और तुम्हारे उपरांत आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे। कृपा हुई भगवान की, लिया मत्स्य अवतार। वेदों की रक्षा हुई, किया बड़ा उपकार। अंत हुआ हय ग्रीव का, हुआ पाप का नाश। फैल गया संसार में चारों ओर प्रकाश, चारों ओर प्रकाश।